नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। यह 14 सितंबर से शिक्षक डायरी है जो क्लास 4 और 5 की कंबाइंड शिक्षक डायरी है। देखिए, सत परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 14 तारीख को सत परीक्षा का तैयारी करवा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, चाहे आप पूरा सब्जेक्ट लिख के लिख सकते हैं पुनरावृत्ति, या सभी विषय लिख करके कर सकते हैं। इसके आगे 15 और 16 को छुट्टी अवकाश रहेगा, तो अवकाश की तिथियां यहाँ अंकित करके देखिए, यहाँ अंकित हो गया है 16 और 17 को अवकाश की तिथि अंकित कर दिया है। और इसके आगे अगर अभी तक तो टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन अगर आप टाइम टेबल आ जाते हैं तो विषयवार आप लिख सकते हैं, या तो कंबाइंड में 4 और 5 सभी विषय सत परीक्षा दिनांक 18/9/24 से 24/9 तक सत परीक्षा, और विषयवार अगर चाहेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं या डेट वाइज अलग से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कंबाइंड में भी लिख दिया है क्योंकि कोई भी टाइम टेबल विभाग द्वारा भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके आगे की शिक्षक डायरी हम देखते हैं। देखिए, ये सितंबर माह के चौथे सप्ताह का है शिक्षक डायरी जो 25/9/2024 का है। मैं आपको बता दूं, ये कंबाइंड में चल रहा है, संदर्शिका के अनुसार इसमें लिखा गया है, और साथ ही साथ में इसमें सबसे लास्ट में शिक्षण कार्य योजना एक डिस्ट्रिक्ट में भी लिखना बताऊंगी, क्लास 4-5 कंबाइंड में कैसे लिखना है। अगर आप सिर्फ क्लास 5 पढ़ा रहे हैं तो आप 5 भी लिख सकते हैं। देखिए, ये अलग अलग लिखा है, एलोस संदर्शिका के अनुसार ही लिखे हैं। 4 पढ़ाते तो सिर्फ 4 पढ़ा का लिख दीजिएगा इसमें, और ये टाइम टेबल के हिसाब से भी है, तो आप चाहे तो जैसे भी इच्छा हो आप मिला के लिख सकते हैं। आइए चलते हैं शिक्षक डायरी को। अगर ये वीडियो सहायक हो तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। गणित में पाठ 7 भिन्नों का भाग, भिन्नों के भाग को चित्र कागज के टुकड़ों द्वारा ज्ञात करना, संदर्शिका से 1/7 शिक्षण योजना कार्य पेज नंबर 112 पे भिन्न के सवाल। देखिए, 1/7 का मतलब है 7 दिन में शिक्षण योजना कंप्लीट होनी है। 7 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं जिसमें से पहला स्टार्ट हो रहा है। अब आते हैं क्लास 4 में पाठ 6 गुणा कार्यपुस्तिका, कार्यपत्रक द्वारा कार्य शिक्षण योजना 7/8 पर विषय वस्तु पे कार्य। इसके पहले का भी मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप जा करके चाहें तो वहां से भी इसके पहले की शिक्षक डायरी देख सकते हैं। क्लास 5 हिंदी पाठ 7 जीवन के रंग, यहाँ कोट दिया हुआ है, शब्द भंडार में वृद्धि। ये कोट जो है वो शिक्षण सूची में भी है और संदर्शिका में कोट लिखा हुआ है, तो आप तालिका में चाहें तो इसका देख करके, अगर आप यहाँ पे जगह कम होने की वजह से कोट्स में लिख दिया गया है इसको, तालिका में ये सारे एलओ के कोट दिए हुए हैं। यहाँ एच का मतलब हिंदी, 5 का मतलब क्लास 5, और 10 का मतलब दसवां जो सूची में दिया है, तालिका में दिया है, वही इसका लक्ष्य है। शिक्षण योजना 6/7 पर कार्य जंगल की आग स्वतंत्र पठन, क्लास 4 हिंदी पाठ 8 टोकरी में क्या है। शिक्षण योजना 3/5 पर कार्य करेंगे, मैं कौन हूँ पहली का रोल प्ले भी कराएंगे, यहाँ रोल प्ले भी दिया है। क्लास 5 पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन, दीक्षा ऐप से वीडियो दिखाकर चर्चा। क्लास 4 पाठ 9 दादी माँ की बगिया, वीडियो दिखाकर विचार करते हैं, ये एलो है इसका, और सेम वर्क दोनों क्लासेस में होने हैं। क्लास 5 वर्कबुक, क्लास 4 वर्कबुक तैयार, और कक्षानुसार गृह कार्य। अब आगे आते हैं सितंबर माह में पाठ 4 26/9/24 क्लास 5 पाठ 7 भिन्नों के भाग, एलो है भिन्न संख्या में भिन्न संख्या से भाग देना, संदर्शिका से 2/7 शिक्षण योजना पेज नंबर 113 भिन्न के भाग। क्लास 4 गणित पाठ 6 गुणा शिक्षण योजना 8/8 के अनुसार संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति, यहाँ पे एलो है और संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति। क्लास 5 पाठ 7 जीवन के रंग, शिक्षण योजना 7/7 पर कार्य, कार्यपुस्तिका से कार्य, एलो कोड यहाँ दिए हुए हैं। क्लास 4 हिंदी पाठ 8 टोकरी में क्या है, शिक्षण योजना 4/5 पर कार्य, पाठ्यपुस्तक से कार्य करना है, कोड दिया है, पाठ आधारित अभ्यास कार्य। क्लास 4 में संस्कृत पाठ 8 परोपकार प्रश्न उत्तर पर कार्य, क्लास 5 में संस्कृत पाठ 8 यातायात संकेत प्रश्न उत्तर पे कार्य, और एलो दिया है प्रश्न उत्तर पे कार्य। वर्कबुक
से कार्य कराएंगे, सगामी पाठ्यक्रम पुस्तकालय कक्षानुसार गृह कार्य। नेक्स्ट दिन का आते हैं क्लास 5 पाठ 7 भिन्नों का भाग 3/7 पर कार्य करना है, स्वयं बनाकर या किताब द्वारा प्रश्नों को हल कराना है, भिन्न संख्या में भिन्न से भाग करना है। लो 4 में गणित पाठ 7 भाग, भाग की अवधारणा, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में अंतर बताना, शिक्षण योजना 1/9 पर कार्य करना है, ठोस वस्तुओं द्वारा भाग पर कार्य। क्लास 5 हिंदी पाठ 8 में मेरा देश शिक्षण योजना 1/7 पर कार्य, पाठ का आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, पाठ का आदर्श वाचन एलो है। हिंदी में पाठ 8 टोकरी में क्या है 5/5 पे कार्य आकलन करेंगे, कार्य पुस्तिका से कार्य कराकर, यहाँ एलो कोड दिया हुआ है। क्लास 5 ईवीएस पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन, पाठ का आदर्श व अनुकरण वाचन। क्लास 4 ईवीएस पाठ 9 दादी माँ की बगिया, सही से किताब पढ़ते हैं, इससे वर्क होगा, कार्य पुस्तिका से कार्य होंगे, कार्य पुस्तकालय कक्षानुसार गृह कार्य। अब आते हैं नेक्स्ट दिन पर क्लास 5 भिन्नों का भाग, पूर्ण संख्या में भिन्न से भाग करना, शिक्षण योजना 4/7 पर गणित किट के द्वारा कार्य, पाठ 7 भाग, 2 अंकों की संख्या में 1 और 2 अंक की संख्या से भाग करना, शिक्षण योजना 2/9 पर स्ट्रॉ या गणित किट से कार्य। क्लास 5 में हिंदी में मैं और मेरा दिल शिक्षण योजना 2/7 पर ICT द्वारा कार्य, क्लास पाठ 9 ग्रामश्री पर ये कोड दिया है, वाक प्रयोग कराएंगे और यहाँ गांव के चित्र पर कार्य करेंगे, चार्ट जो बने हैं वहाँ से, नो बैटरी एक्टिविटी कराएंगे, कोई भी कला या क्राफ्ट का वर्क। और 29 तारीख को संडे है तो यहाँ पर आप चाहे अंकित कर सकते हैं। 30 सितंबर जो लास्ट डे है उसका कार्य देख लीजिए आप। क्लास 5 भिन्नों का भाग, भिन्न के भाग का वार्तिक प्रश्न हल करना, शिक्षण योजना 5/7 पर कागज चित्र या गणित किट द्वारा कार्य, पाठ 7 भाग, 5 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या से भाग करना, शिक्षण योजना 3/9 पर कार्य, भाग के सवाल। क्लास 5 में हिंदी पाठ 8 में मैं और मेरा देश कोड दिए हैं, पुस्तकालय से पठन, पुस्तकालय से मनपसंद पुस्तक पढ़ना, शिक्षण योजना 3/7। हिंदी में ग्रामश्री पाठ 9 कोड दिया है, कविता का हवा वाचन, शिक्षण योजना 2/5 पर खेत चार्ट पर चर्चा करके कविता वाचन। क्लास 4 पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन, पाठ 9 दादी माँ की बगिया, आदर्श एवं अनुकरण वाचन, पुस्तकालय इंग्लिश में वर्कबुक से कार, और यहाँ पर आपका 30 सितंबर तक की शिक्षक डायरी कंप्लीट हो जाती। इसके आगे मैं आपको शिक्षण योजना एक दृष्टि में भी दिखाऊंगी, आइए चलते हैं देखते हैं। देखिए शिक्षक की वार्षिक योजना माहवार एक दृष्टि में, ये सितंबर के तीसरे सप्ताह का है, क्लास 4-5 का सभी विषय की सत्र परीक्षा ऐसे लिख देंगे, 36 कालांश, उसके बाद साइन करा देंगे टीचर्स का। अब नेक्स्ट चौथे सप्ताह का देखते हैं, ये सितंबर माह के चौथे सप्ताह संख्या का है, क्लास 4-5, यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देखिए ये क्लास 4 का इस साइड लिखा है, क्लास 5 का इस साइड लिखा है, जो जो हम लोग ने पढ़ाया है वो सारे लिखे, कलांशों की संख्या, डेट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये शिक्षक डायरी यहीं कंप्लीट हो जाएगी। इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले इसी को चेक किया जाता है कि आपने योजना में क्या क्या किया है कोई भी अधिकारी, तो इसको लिखने का तरीका हमेशा सही होना चाहिए। अगर ये वीडियो सहायक है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।